कवर ऑफ लुक है, फिर सिंगल एक बार मैं इसका मतलब टॉप एंड चेक करता हूँ कितना आता है। तो जो कि इसका ओवर ऑफ लुक है पूरा काफ़ी प्यारा आ रहा है, देख सकते हैं रेड कलर में है और काफ़ी बढ़िया स्कूटी है। इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो गाइस इसके प्राइस की बात करते हैं तो 80,000 की ये स्कूटी पड़ती है, ऑन रोड लखनऊ प्राइस है पूरा और शोरूम। सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ आई है प्लीजर 125 न्यू 2022 एडिशन। तो मैंने सोचा ये क्यों ना छोटा सा राउंड मार लेते हैं और आपको भी इसके मतलब इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। तो इसको चलाइए थोड़ा रश ड्राइविंग करके एकदम छपरी बन के। तो अभी तो अपने मोहल्ले में ही है तो कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है, और इसीलिए मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने क्योंकि अपने एरिया में ही है, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं रश ड्राइविंग कर रहे हैं और ये तो स्कूटी है। तो इस कारण मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कर लेते हैं, और 125 सीसी की बाइक स्कूटी है ये, और अभी देख सकते हैं मतलब पेट्रोल वेट्रोल सब फुल है। तो इसका ओवर ऑफ लुक दिखाते चल के आपको एकदम साइन जगह पे लगा के, और वहीं पे थोड़ा इसका टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो जैसे कि अभी तो 40 है, एकदम आराम से जा रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से मतलब स्पीड तो अच्छी पकड़ रही है और सस्पेंसर भी काफ़ी बढ़िया है। एक्टिवा जिससे बहुत ही काफ़ी कंफर्टेबल इसके सस्पेंसर लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि 2022 वाला एडिशन है, BS6 है और काफ़ी बढ़िया मतलब लग रही है। तो अगर आप लोग का कमेंट आया तो एक्टिवा 5G से इसका कंपैरिजन वीडियो लाएंगे, एक दिन सेपरेट वीडियो, और काफ़ी वीडियोज आएंगे अच्छी अच्छी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लो यार, छोटे भाई या बड़े भाई होने के नाते जो भी समझो यार कर दो यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशनल मिलता है, और देखते हैं छपरी बना जाए। तो छपरी बनने में एक अलग लुक आता है, और छपरी लोग यार बुरा नहीं मानना यार, दिल से नहीं बोला, मस्ती कर रहा हूँ क्योंकि कुछ फ़न होना चाहिए वीडियो में, वरना आप लोग कहेंगे फ़न वन कर नहीं रहे हो, खाली वीडियो 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 बाइक के बारे में ज़्यादातर बता रहे हो। हाँ तो काफ़ी बढ़िया व्यू है, देख सकते हो ऊपर आसमान का, काफ़ी बढ़िया प्यारा लगता है ऐसे तो। और अभी तो इसकी एक बार स्पीड लिमिट 90 तो जानी जानी है, मेरे हाथों में आई है तो 90 तो हम पहुंचा के रहेंगे इसका, क्योंकि 90 ही इसका मतलब जहां तक की स्पीड होगी टॉप। और सामने से यही पेट्रोल पंप है, सब चीज़ें तो आपको देखते रहते होंगे कभी कभार वीडियो में तो दिखती हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बस अड्डा, क्योंकि बस अड्डे में ही इसकी टॉप स्पीड हम पता कर पाएंगे, वैसे तो और ज़्यादा मैं पता नहीं कर पाऊँगा ऐसी जगह पर। और आज मैंने घर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो देख सकते हो अभी मतलब 2 मिनट से मैंने एक भी वीडियो कट नहीं लगाया हूँ अभी तक का, और ना लगाऊंगा, मैं सोचा बस अड्डे तक का बिन कट के, क्योंकि आपको भी रास्ता पता चल जाए। और भाई जिसको मिलना है हुआ करे भाई तुरंत आया करो, जैसे कि पीछे भाई बैठा अपना सनी, तो ये भी मेरे से मिलने आए थे अभी इस टाइम शाम के टाइम, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं अगर आपकी स्कूटी है। उन्होंने भी कहा हाँ भाई क्यों नहीं यार आप वीडियो नहीं बनाएंगे चलेगा। तो फिर और यहाँ देख सकते हैं जाम, तो जाम से हटते हुए निकलते हुए और आगे चला रही हैं पापा की परी मतलब तो आंटी जी। तो अब हम चलाएंगे यहाँ से ऑफ रोडिंग स्कूटी, ऑफ रोडिंग। तो इसके सस्पेंसर काफ़ी प्यारे हैं तो इस कारण थोड़ा मतलब थोड़ा डर कम लग रहा है मेरे को, और इतना तो स्कूटी हाथ में सटी है कि भाई स्कूटी से तो मैं कभी नहीं गिरूँगा, और ना जहाँ तक गिरा हूँ अभी तक, और भगवान की कृपा से भैया गिरूँ भी ना तो अच्छा, ओवरटेक करना है इसको। पूरा भाई ये 60 इतने प्यार से जा रही है और हेलमेट के अंदर तो पता नहीं लगता, तो प्लीज़ यार हेलमेट इसीलिए वेयर कर लीजिए करके, क्योंकि हेलमेट से आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और आपको कम पता चलेगा यार कि स्पीड क्या है कैसे क्या है, बढ़िया लगता है भाई मज़ा आता है, और एक राइडर वाला लुक आएगा तो आपको कोई छपरी नहीं कहेगा अंकल जी यही वाला भाई एडिशन है। तो अभी मैं आपको ओवर ऑफ व्यू इसका लुक दिखा देता हूँ इस गाड़ी का, और एक बार इसको मतलब इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो यहाँ पुलिस पुलिस भी है रहती है तो फालतू वो नहीं रहता। ऑफ रोडिंग हो गई यहाँ पे, तो अब टाइट से पकड़ ले, टाइट से पकड़ के बैठ। तो अब हम लोग इसकी टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं जिसकी जितना जाती है ये, तो 40 70 ऐसे जा रही है,
भाई पिलियन के साथ हूँ तब इतनी स्पीड है, सिंगल नहीं हूँ। 80+ जा, 80 गई है, 80 भाई बहुत प्यार से जा रही है, तो 80 बहुत प्यार से गई है। जहाँ तक कि अभी तो जैसे कि आपने देखा पूरा 80 एकदम, 80 एकदम इतने प्यार से गई है कि भाई जैसे कि मतलब सोच नहीं सकते। तो एक बार मैं इसका ओवर ऑफ लुक दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी प्यारा ओवर ऑफ लुक है। फिर सिंगल एक बार मैं इसका मतलब टॉप एंड चेक करता हूँ कितना आता है। तो जो कि इसका ओवर ऑफ लुक है पूरा काफ़ी प्यारा आ रहा है, देख सकते हैं रेड कलर में है और काफ़ी बढ़िया स्कूटी है। इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो गाइस इसके प्राइस की बात करते हैं तो 80,000 की ये स्कूटी पड़ती है, ऑन रोड लखनऊ प्राइस है पूरा, और शोरूम वोरूम से सब चीज़ एक्सेसरीज वैसेसरीज लगा के 83 की पूरी पड़ जाती है। काफ़ी प्यारा कलर रहा है एकदम, बहुत ही बढ़िया लग रही यूनिक। और आपको आगे कॉम्बी ब्रेक जहाँ तक मिल जाती हैं, हाँ कॉम्बी ब्रेक आगे आपको मिल जाएंगी, पीछे भी आपको नॉर्मल ब्रेक ही मिलती हैं, ड्रम ब्रेक जो भी है इसमें। और 125 cc का इंजन है, 125 या 110 cc का इंजन होगा, उससे ज़्यादा सीसी का इंजन होगा नहीं इनमें, और काफ़ी प्यारी लग रही है। तो इसका एक बार मैं सिंगल करूँगा कि कितना ये जाती है। तो गाइस एकदम ब्रांड न्यू, तो स्कूटी देख सकते हैं मीटर में 1050 किलोमीटर। तो इसका अगर मैं ड्रैग पूरा मतलब फुल देखते हैं टोटल में, फुल लेट के गए तो गाइस स्पीड नोट करिएगा क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है। 80 जा रही भाई, 90 गई। तो गाइस ये 90 गई थी, फुल 90 भाई, बहुत ही जल्दी सीसी की है। तो भाई मतलब पूरा 90 तो जानी एक 110 cc की जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर 125 cc की बाइक स्कूटी होती तो भाई 90 से ऊपर जाती है बस जाती, और अभी तो पूरा मतलब गई है जैसे कि। तो अगर इससे वीली वीली ट्राई करें तो नहीं भाई इतना पिकअप है मगर उतना भी नहीं है। तो काफ़ी प्यारा भाई है और 40-50 की एवरेज आपको अच्छे से निकाल देगी अगर आप सही से चलाएंगे। हरामी बंदी से चलाएंगे तो नहीं निकलेगा, वो बात अलग है, बट अगर प्यार से आप चलाएंगे तो इसका आराम से आपको पूरा आपको सही है माइलेज देगी। क्योंकि भाई मेरे को तो भाई बहुत ही प्यारी लगी स्कूटी, और इसका सस्पेंसर तो भाई बहुत ही प्यारा है देख सकते हैं, और काफ़ी प्यारे सस्पेंसर हैं। तो अभी शाम का व्यू भी बहुत ही बढ़िया है, तो चल रहे हैं घर की तरफ ही निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी बढ़िया वीडियो भी बन गई है आज, थोड़ा कंटेंट मैंने सोचा क्यों ना फ़न कर लिया जाए, और एलडी को इधर है तो, और कमेंट करके भाई बताएं कि किस पे वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर मैं वीडियो फिर मेरे को पता नहीं रहता है कि किस पे वीडियो होनी चाहिए। तो जैसे भी दिखता है, जैसे कि अभी भाई आया था सामने खड़ा, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं। तो अब चल रहे हैं हम घर, और घर चलें तैयार वैयार होकर जाना है मेरे को कहीं मिलने, समझ रहे हो। आ जाओ, अरे चलो वीडियो में तो आते रहते हो तुम। तो घर चल रहे हैं और घर पे चलते हैं सीधा, आराम से तैयार वैयार होते हैं और किसी से मिलना है यार, समझ रहे हो ना। फीलिंग को समझो मेरे यार, दिल से बुरा लगता है यार तुम, आप लोग मेरे ऐसे फीलिंग्स को हर्ट करोगे। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब कमेंट करके बताना, और स्कूटी कैसी लगी प्लीज़ यार बताना। आई होप ये वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, राइट सेफ राइट हार्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।